हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिकी टेक में, और मैं हूँ आपका होस्ट मिकी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर बेसिक्स का दूसरा दिन, जिसमें हम सीखेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर का बात करते समय सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है कि जनरेशन, आखिर जनरेशन का मीन क्या होता है। जनरेशन का मीन ये होता है कि कंप्यूटर में जो शुरू से लेकर आज तक जो भी बदलाव आए हैं, यह कंप्यूटर को कैसे बेहतर बनाया जाए, दिन पर दिन कैसे बेहतर बनाया जाए। तो कंप्यूटर को बेहतर बनाने, जो प्रथम पीढ़ी से लेकर आज तक के जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि प्रथम पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर्स जो होते थे बहुत ही बड़े होते थे, और स्पीड बहुत ही कम होती थी, और वो कंप्यूटर सिर्फ साइंस जो काम वर्क के लिए वर्क को ले जा सकते थे। आज के आज और कंप्यूटर जनरेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को फास्ट बनाना, जैसे जितना हो सके फास्ट बनाना, शुद्ध शुद्ध करना, रिलायबल मतलब विश्वसनीय बनाना, पोर्टेबल जितना हो सके पोर्टेबल बनाना। आज के जनरेशन में ये ट्राई किया जा रहा है कि जितना हो सके पोर्टेबल बनाया जा सके, कैपेसिटी जितनी ज़्यादा हो सके बढ़ाई जा रही है, या फिर बड़ी बड़ी है, काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्ट्रांग हो गए हैं कंप्यूटर्स, काफ़ी पहले से ज़्यादा बिकॉज मल्टीटास्किंग पहले नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स होते थे वो पूरे एक कमरे की साइज़ रो मतलब पिक करते थे। सेकेंड जनरेशन में कुछ कंप्यूटर की साइज़ छोटी हुई, और उसके बाद में उसकी स्पीड वगैरह में वृद्धि हुई। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की साइज़ और छोटी हुई। फोर्थ जनरेशन में जो हमारे पीसीज वगैरह है वो आए, और फिफ्थ जनरेशन में जो भी हमारे नोटबुक्स वगैरह जो भी हम करंटली यूज़ कर रहे हैं वो आए। ऐसे करते करते कंप्यूटर जनरेशन्स में जो है बढ़ोतरी हुई और प्रोग्रेस हुई, और दिन पर दिन कंप्यूटर जो है बेहतर बनते गए। कंप्यूटर की जनरेशन कब से चली आ रही है? कंप्यूटर की जनरेशन 1942 से आज तक 1942 से स्टार्ट हुई थी, और अभी तक चलती आ रही हैं। और इन कंप्यूटर की इसके बीच कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन आ चुकी है, जो कि इस तरह से हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 तक थी, जिसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 तक थी। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक थी। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक थी। और कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन जो कि 1989 से जो अभी तक चल रही है प्रेजेंट, यानी कि जो हम यूज़ लैपटॉप्स, नोटबुक्स एक्सेट्रा यूज़ जो करते हैं उसे फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो सबसे पहले आए थे, जो कि बहुत बड़े होते थे साइज में, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप इसके अंदर आपके कंप्यूटर की जो साइज होती थी वो एक पूरे कमरे के बराबर होती थी। तो इसे इस कंप्यूटर को रखने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस की आवश्यकता होती थी। कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के अंदर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी? तो कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर टाइप करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज़ होता था। जो भी हमें टाइप करना होता था उसके लिए सबसे पंच कार्ड का यूज़ होता था, और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी जिसे कहते हैं उसका यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए, मतलब डाटा स्टोर करने के लिए। इसके फर्स्ट जनरेशन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की गई थी, आइए देखें। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो भी हम टाइप करेंगे वो पहले जो कंप्यूटर जो है उसको अपनी मशीनी लैंग्वेज में चेंज करेगा, फिर हमें आउटपुट देगा। कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज को समझता है तो वह उसके अकॉर्डिंग कोड को कन्वर्ट करके भी हमें जो है आउटपुट देता है। इसमें स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट था। इसमें मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस मतलब जो कि जैसे कि मौसम की जानकारी के लिए, या फिर रॉकेट्स वगैरह के लिए, या फिर एरोप्लेन्स वगैरह के लिए, मौसम की जानकारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए साइंटिफिक जो भी यूज़ होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था।
कैरेक्टरिस्टिक एक फर्स्ट जनरेशन की विशेषता क्या क्या थी या कमियां क्या क्या थी। सबसे पहला जो मैंने बताया कि साइज में बड़े होते थे और अविश्वसनीय, हम यूँ कह सकते हैं कि इनका विश्वास कम किया जा सकता था बिकॉज ये काफ़ी बड़े होते थे और यूज़ करना बहुत कम लोगों को आता था। इनको कमर्शियल काम के लिए बहुत कम यूज़ लिया जाता था और बहुत महंगे भी होते थे ये, और इनको बनाना जो है काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि ये साइज में काफ़ी बड़े होते थे और इनके अंदर काफ़ी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि डिफिकल्ट यूज़ करना डिफिकल्ट होता था क्योंकि हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता था, जो जानकार है वही यूज़ कर सकता है। तो इसके रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कौन कौन से थे, मतलब जो कि जिसके अंदर ये कंप्यूटर बना था या जिस जिन कंपनी ने ये कंप्यूटर बनाया था। सबसे पहला आता है एनिएक, दूसरा आता है एडवैक, तीसरा आता है एडसेट, चौथा आता है एनवैक, पांचवा आता है आईबीएम 701। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं अब हम, सेकेंड जनरेशन के अंदर, सेकेंड जनरेशन में जो है जो फर्स्ट जनरेशन की जो कमियां थी उनको पूरा किया गया, मतलब उनसे बेटर बनाने की, फर्स्ट जनरेशन से बेटर बनाने की कोशिश की गई। यह है सेकेंड जनरेशन के पीसी की या कंप्यूटर की पिक्चर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है पंच कार्ड्स का यूज़ किया जा रहा है। आइए चलिए इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जा रहा था, जबकि अगर हम कंपेरिजन करें फर्स्ट जनरेशन से तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टैप्स और मैग्नेटिक कोर मेमोरी और डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट मेमोरी के लिए क्या होता था, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, डिस्क मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। सेकेंड जनरेशन में जो है सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ किए गए थे या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं जो कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं, बट उसके अंदर मल्टीपल बैचेस भी कनेक्ट होते हैं जो कि एक ही सीपीयू पर काम करते हैं। सेकेंड जनरेशन में जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जैसे कि कोबोल और कोड, मशीन कोड लैंग्वेज। साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस, इसमें जो है कमर्शियली जो है फर्स्ट जनरेशन से बेटर तक अच्छे तरीके से काम होने लगा और साइंटिफिक तरीके से भी ये कैपेबल था यूज़ करने के लिए। सेकेंड जनरेशन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ये जो है फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी अच्छी तरह से अच्छी और तेज़ तरीके से कार्य करता था। साइज़ में थोड़ा छोटा होता था, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले साइज़ में थोड़ा छोटा था और विश्वसनीय भी। इसका जो प्रोडक्शन है, कमर्शियल जो प्रोडक्शन होता है इसका, वो भी अभी मतलब इसका डिफिकल्ट था, मतलब काफ़ी कॉस्टली भी था और काफ़ी डिफिकल्ट भी था। इसके रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कौन कौन से थे, सबसे पहला आता है इसमें हॉर्नवेल 400, सेकेंड आता है आईबीएम 7030, तीसरा आता है सीडीसी 1604, चौथा आता है हमारा यूनिक लाक। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन में भी यही है कि सेकेंड जनरेशन में जो कमियां महसूस हो रही थी उन सभी को पूरा करने के लिए, उन कमियों को पूरा करने के लिए थर्ड जनरेशन में आना पड़ा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो होते थे वो पोर्टेबल होते थे, उन्हें हम कहीं भी बेंच वगैरह पर भी रख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इसे कहीं भी रख सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं इसके, अब हम जानते हैं थर्ड जनरेशन के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। दूसरा हमारे पास आता है कि इसके अंदर लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ किया गया
और तीसरा जो हमारे पास आता है हाई स्टोरेज हार्ड डिस्क। इसका मतलब यह है कि जो सेकंड जनरेशन में जो हार्ड डिस्क थी उसकी मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ाकर जो है इसके अंदर हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया गया। उसके अंदर जो हाई फॉर स्टैंडर्ड हाई लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया, जैसे फोर्टॉन, कोबोल, बेसिक, पास्कल और सी लैंग्वेज। और जो इसके अंदर अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर, इसका मतलब ये है कि जो जब हम हार्डवेयर किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो उसके जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसके अंदर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन, फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन, जो कि पिछली जो जनरेशन थी उसके मुकाबले ये काफ़ी फास्ट था। मोर रिलायबल एंड चीपर टू प्रोड्यूस, बिकॉज ये छोटा होता था, सो इसे बनाना काफ़ी इसके इसे बनाने के लिए काफ़ी कम पैसे लगते थे और इसे कमर्शियली यूज़ के लिए इजीली यूज़ हो सकता था, बिकॉज कोई भी आसानी से एक जगह मतलब कि कहीं भी बैठ कर इसे यूज़ कर सकता था। साइंसिफिक, कमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थी, मतलब कि जो भी हमारा टैली वगैरह का जो भी वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, उसे हम आसानी से कर सकते थे और साइंटिफिक वर्क भी इजीली किया जा सकता था इसके अंदर एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन जो होता। इसके रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कौन कौन थे? IBM, सबसे पहले आता है IBM 360, 370, दूसरा आता है PDP-8, तीसरा आता है हमारा PDP-11, थर्ड फोर्थ आता है हमारा Series 6600, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो मैं मानता हूँ कि अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा और कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उस वो सबसे बड़ा बदलाव फोर्थ जनरेशन में आया था। पिक्चर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के हमारे जो PC लैपटॉप्स वगैरह होते हैं वो आए थे, पर सबसे पहले हम बात करेंगे PC की। हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज में कौन कौन सी यूज़ हुई थी? सबसे पहला आता है हमारा इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स, जो कि काफ़ी छोटे होते थे और काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते थे। सेकेंड हमारा आता है IC विद PLSI टेक्नोलॉजी। इसका IC इंटीग्रेटेड सर्किट विद PLSI टेक्नोलॉजी, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था इसके अंदर। कंप्यूटर मेमोरी, इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज, इसके अंदर जो होता था कंप्यूटर के अंदर हमें जो है सेकेंडरी स्टोरेज अलग से इस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जैसे कि जो पिछली पीढ़ियाँ थी उनके अंदर हमें मैग्नेटिक टैप्स, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा का यूज़ करना पड़ता था। बस इसके अंदर जो क्या है कि CPU जो है वो अपने आप ही इसके अंदर एक ही हार्ड ड्राइव में मल्टीपल स्टोरेज जो है क्रिएट कर लेता था। फ्लॉपी डिस्क को मैग्नेटिक टेप्स पोर्टेबल स्टोरेज किया गया, पोर्टेबल स्टोरेज के रूप में यूज लिया गया। और फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर का यूजेस हुआ और सुपर कंप्यूटर्स को जो है बदला गया उन्हें, और मल्टी प्रोसेसिंग उनमें बदलाव किया गया और मल्टी प्रोसेसिंग के लिए उन्हें यूज़ में लिया गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है वो फोर्थ जनरेशन में ही इसका डेवलपमेंट हुआ था। लास्ट हमारा आता है कि स्प्रेड ऑफ स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क, इसका मतलब यह है कि इसके फोर्थ जनरेशन के अंदर जो डाटा वगैरह हमें शेयर करना होता है ऑनलाइन, उसके लिए नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाने लगा, जिसके अंदर काफ़ी सारे जैसे कि टोपोलॉजी नेटवर्क के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका यूज़ किया जाने लगा डाटा शेयरिंग के लिए। इसके अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसको फोर्थ जनरेशन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होने लगी? जनरल ग्राफिक इंटरफेस, मल्टीपल विंडोज और सिंगल टर्मिनल स्क्रीन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है PLS विद ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI के साथ में काम करने लगे और मल्टीपल विंडोज़ पे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर जो है मल्टी प्रोसेसिंग से मतलब यह है कि हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है फोर्थ जनरेशन में हमारा जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया C से, और C, C++
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया, पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क जैसे सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का यूज़ किया गया। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस आती हैं उनका यूज़ किया गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर छोटे होते थे, अफोर्डेबल जिसे हम कहीं भी रख सकते हैं, रिलायबल मतलब कि विश्वसनीय होते थे, ईजी टू यूज़ PLS। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर मतलब बहुत ही पावरफुल होते थे और विश्वसनीय मेन फ्रेम होता सिस्टम। सुपर कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर टोटली जनरल पर्पस मशीन। जनरल पर्पस मशीन का मतलब यह है कि हम इसे अपने पर्सनल कामों के लिए भी यूज में ले सकते हैं। इसे बनाना काफ़ी आसान होता है और इतना जो है कॉस्टली भी नहीं होता है। इसे अपग्रेड करना काफ़ी आसान होता है कि जो क्योंकि जो हमारा इसमें हम हार्डवेयर भी चेंज कर सकते हैं और जो सॉफ्टवेयर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आता है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, उन्हें भी हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर बनाना भी पॉसिबल। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है हम सॉफ्टवेयर अपना खुद का सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी बना सकते हैं उनका, यह भी हमें दिया गया। इसके रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कौन कौन सा है, एप्पल टू फर्स्ट आता है, एप्पल टू सेकेंड आता है, TRS-80, थर्ड आता है क्रे टू, फोर्थ आता है क्रे एम पी। फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, अब आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन जो कि है जो हमारा प्रेजेंट में भी चल रहा है, पिक्चर 1989 से लेकर जो करंट की जो प्रेजेंट जो कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है उसे फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे कि PC, लैपटॉप और जो टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें फिफ्थ जनरेशन में आई। फिफ्थ जनरेशन की प्रेजेंट टाइम में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो कौन कौन सी है। सबसे पहला आता है जो IC है उसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में यूज़ किया गया। सेकंड हमारे पास आता है कि हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट। रेड सपोर्ट का मतलब यह है कि हम एक ही हार्ड रेड सपोर्ट ऐसा एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर अपन मल्टीपल हार्ड डिस्क डालकर उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास तीन एक 120 GB की हार्ड डिस्क है तो हम इस रेड सपोर्ट के थ्रू एक उन तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है ऑप्टिकल डिस्क, CD या DVD, यह हमें रीड ओनली मेमोरी भी यूज़ इसे हम कह सकते हैं कि जिससे हम रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा को राइट नहीं किया जा सकता। चौथा हमारे पास आता है कि इसके अंदर जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो कौन से किए गए, तो उसके अंदर आता है नोटबुक और बहुत सारे सारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह काफ़ी आता है जिसे हम यूज़ करते हैं करंट टाइम। फिफ्थ जनरेशन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की गई थी, WWW जो कि हम करंटली यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, मल्टीमीडिया इंटरनेट एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, ब्राउज़र्स वगैरह एक्सेट्रा, माइक्रो कर्नल, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी को ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाने लगा। जब इसके अंदर जो है बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाने लगा, जैसे जावा, PHP, पाइथन, C++, एंड्रॉयड और बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनका इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है करंट टाइम पे। MPI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और PVM लाइब्रेरीज फॉर पैरेलल प्रोग्राम्स का यूज़ किया जाने लगा, इंटरनेट क्लस्टर कंप्यूटिंग का भी यूज़ किया जाने लगा। फिफ्थ जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और नोटबुक्स जिन्हें हम कहीं भी बैग के अंदर डाल के आज ले जा सकते हैं। यह आज का प्रेजेंट टाइम जो हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी पावरफुल होता है, चीपर होता है और रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। डेस्कटॉप मशीन का यूज़ भी किया जा सकता है। इनका जो मेन फ्रेम्स होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। हैप टाइम कंप्यूटर्स, जनरल पर्पज़ मशीन्स,
ईजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली। कमर्शियली इसको जो बनाना है वो काफ़ी आसान होता है, और जनरल पर्पस के लिए भी इसे यूज़ में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कौन कौन से? आई बी एम नोटबुक्स, सन वर्क स्टेशंस, आई बी एम एस पी आई 2, एस जी आई ओरिजिन, परम कंप्यूटर्स।